सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन कर सरकारी विद्यालय में 3,50,000 रुपए का दिया सामान भेंट किया। भारत पाक सीमा के दूरस्थ गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने व विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सिविक एक्शन का कार्यक्रम 40KYD की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बीकानेर के पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रमुख है। सीमा सुरक्षा बल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमेशा सीमावर्ती ग्रामीणों की सहायता के लिए भी तत्पर रहती है। इसी सिविक एक्शन कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण बच्चों को शिक्षा एवं खेलकूद के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, क्योंकि विद्यार्थी भविष्य में राष्ट्र निर्माण में कारगर सिद्ध होते हैं। जितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे उतना ही उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमावर्ती अलादीन गांव को गोद लिया है। इसको आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 40KYC के स्कूल्स में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया एवं विद्यालय मैदान में वृक्षारोपण किया।